All right. Hello everyone. So we are here and I welcome you all on the platform of One Academy. I hope आप सभी बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं, बहुत अच्छे से मस्ती कर रहे हैं, ठीक है. सिंस दिस इज़ अ फेस्टिव सीजन, क्रिसमस है, न्यू ईयर है, तो मैंने सोचा कि ठीक है थोड़ा सा बुक से बाहर निकल के पढ़ाई करते हैं, ठीक है ना. बोरिंग आपके लिए SST बहुत बोरिंग है, तो वो बोरिंग हटाने के लिए, बोरियत हटाने के लिए आई हैव क्रिएटेड सम टॉपिक्स फॉर यू विच आर इम्पॉर्टेंट फॉर योर सिलेबस एज वेल, पर उसमें हम अपनी नॉलेज भी टेस्ट करते रहेंगे. सो सबसे पहले आई वेलकम यू ऑल इन द प्लेटफॉर्म ऑफ वन अकेडमी एंड लेट्स क्रैक CBSE 7th टुगेदर गाइज. ओके, सो लेट्स मूव ऑन एंड दिस इज समथिंग अबाउट मी यू शुड नो, ठीक है. ये वाला पार्ट सबसे इम्पॉर्टेंट है. ओके, जस्ट ऑलवेज बी अ लर्नर, सीखते रहो और आगे बढ़ते रहो. सीखोगे नहीं, जब जब सीखना बंद कर दिया तभी एवरीथिंग स्टॉप्स, ठीक है. तो आपको सीखते रहना है, आगे बढ़ते रहना है, ठीक है गाइस. ओके, राइट. इफ़ आई टॉक अबाउट अन अकेडमी इट सेल्फ, सिंस यू नो इट इज़ इंडियाज बिगेस्ट 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 प्लेटफॉर्म ऑफ लर्निंग, ठीक है. इसमें आपको नॉट ओनली फॉर 7th स्टैंडर्ड, किंडरगार्टन से 12th, ठीक है, KG टू 12th स्टैंडर्ड, ऑब्वियसली उसके बाद भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस होते हैं, UPSC, NEET, JEE, CLAT, CAT, MAT, पता नहीं क्या क्या बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं. उस सब के लिए आपको टीचर्स मिलेंगे, बहुत सारे एजुकेटर्स हैं, टॉप क्वालिटी एजुकेटर्स आपको मिलेंगे और आप बहुत अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं, ठीक है. इफ़ आई टॉक अबाउट सम सब्सक्रिप्शन, तो वन अकेडमी के पास दो दो सब्सक्रिप्शन हैं, दो दो टाइप के. क्या सब्सक्रिप्शन है, लेट्स सी. इट हैज़ पर्सनल मेंटर, ठीक है. पर्सनल आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन की अगर मैं बात करूँ तो इसमें बहुत सारे आपको डिफरेंट डिफरेंट जो है बेनिफिट्स मिलेंगे जो आपको शायद और किसी प्लेटफॉर्म पर ना मिले. तो पहला आपका आ जाता है पर्सनल मेंटर, दूसरा पेरेंट कनेक्ट, तीसरा लाइव डाउट सोल्यूशन. मतलब कि पर्सनल मेंटर कई बच्चों को जो है किसी किसी सब्जेक्ट में पर्सनली बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, बाकी बच्चों के साथ पढ़ लेते हैं लेकिन उन्हें कुछ कुछ दिक्कत आती है पर्सनली, तो वो ठीक करना, ठीक है. दैट इज़ पर्सनल मेंटर, आपको मिलेगा एक, ठीक है, पर्सनल काइंड ऑफ गाइड जिनसे आप पूछ सकते हैं कि सर मैम मैं कैसे पढ़ाई करूँ, मेरी स्ट्रैटेजी बताइए, मुझे हिस्ट्री समझ में नहीं आती, मैं हिस्ट्री कैसे प्रिपेयर करूँ. सो एवरीथिंग विल बी टॉट टू यू. नाउ पेरेंट कनेक्ट है हमारे पास, ठीक है. मतलब कि आपके पेरेंट्स को पता रहेगा कि आप क्या पढ़ाई कर रहे हैं, उनको पता रहेगा कि आपने कितना स्कोर किया, कितनी क्लासेस अटेंड की, एवरीथिंग विल बी रिकॉर्डेड एंड शोन टू योर पेरेंट्स. लाइव डाउट सॉल्यूशन, आपको अपनी जो है अपने काम का आइडिया मिलता रहेगा, ठीक है, कि आपने आप अगर आपको कोई डाउट है जस्ट आस्क इट इन द रियल टाइम एंड यू विल गेट द आंसर, ठीक है, द बेस्ट थिंग. नाउ दूसरा वाला जो सब्सक्रिप्शन है उसके सारे बेनिफिट्स इसमें हैं, हाउ अमेजिंग. Now, what is the second subscription? Plus subscription, daily live classes हैं, ठीक है, structured courses हैं, live test quizzes हैं. अपने आप को analyze करते रहो guys, ठीक है. अपने आप को अगर आप पढ़ते जा रहे हो test नहीं कर रहे हो तो फ़ायदा क्या है, क्या पता आपने कुछ गलत पढ़ लिया हो, पता कैसे चलेगा आपको, नहीं पता चलेगा. तो उसकी वजह से आपको test and quizzes में regular participate करना है और उनमें participate करने के लिए you should just join the subscription, ठीक है. टॉप क्वालिटी एजुकेटर्स विद ईयर्स एंड ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस आपको मिलेंगे पढ़ाई करने के लिए, ठीक है. तो स्ट्रैटेजी तो अपने आप आपकी बहुत अच्छी बनने ही वाली है और बहुत सारे एजुकेटर्स हैं हर सब्जेक्ट के लिए. ऐसा नहीं कि जिसके लिए सिर्फ एक टीचर है, मैथ्स के लिए सिर्फ एक टीचर है, बहुत सारे हैं. किसी एक का पसंद आता है उसी टीचर के साथ पढ़ाई कीजिए, जिसका पसंद आता है उसके साथ रहिए, ठीक है. कॉम्प्रिहेंसिव सिलेबस यू हैव फॉर साइंस, मैथमेटिक्स, इंग्लिश, SST, एवरीथिंग, ठीक है. अन अकेडमी लर्निंग ऐप को ज्वाइन कर सकते हैं गाइस. अन अकेडमी लर्निंग ऐप पर हमारी बहुत सारी नई नई तरीके की डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस होती हैं. मैं स्पेशली आपकी बुक से जो है बुक में कन्फाइंड नहीं हूँ, ठीक है. मैं आपकी बुक से बाहर पढ़ाती हूँ, ठीक है. जो आप 6th क्लास में बेसिकली पढ़कर आ चुके हैं उसके भी थोड़े थोड़े टॉपिक्स मैं आपको पढ़ाती रहती हूँ ताकि रिविजन होता रहे, ताकि आप कनेक्टेड रहें उससे, ठीक है. जैसे अब टुडेज टॉपिक इज कॉन्टिनेंट्स, टुडेज टॉपिक इज कॉन्टिनेंट्स. अभी कॉन्टिनेंट्स जो है हम ये 6th स्टैंडर्ड में पढ़कर आए हैं, ठीक है. बहुत ही बेसिक चीज़ पढ़ी. आज जो है डिफरेंट डिफरेंट फन फैक्ट्स पढ़ेंगे कॉन्टिनेंट्स के बारे में, क्या क्या फैक्ट्स होते हैं कॉन्टिनेंट्स के, वो सब देखेंगे. सो दिस इज काइंड ऑफ इंटरेस्टिंग, ठीक है. और हो सकता है मैं आपको कहीं ना कहीं 8th क्लास में भी ले जाऊँ, कहीं ना कहीं 9th स्टैंडर्ड में भी ले जाऊँ. तो जब हम SST पढ़ रहे हैं ना स्पेसिफिकली, तो हम सिर्फ और सिर्फ बुक्स के या एग्जाम देने के पर्पज से नहीं पढ़ रहे हैं,
ठीक है, व्हाट व्हाई आर वी लर्निंग एसएसटी? टू नो आवर सराउंडिंग्स. सोशल साइंस क्या है? हमारे आसपास की जो भी चीज़ें हैं उनसे हमें कनेक्ट करवा रहा है ये चैप्टर, ये सब्जेक्ट, तो हम कनेक्ट क्यों ना करें? हमें हमें जो आसपास दिखता है वो देखें, राइट? तो कॉन्टिनेंस जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है. हो सकता है आपने सिक्स क्लास में मिस कर दिया हो, और मिस भी नहीं किया हो, अगर पढ़ा है तो फन फैक्ट्स जान लेने में क्या हर्ज है भाई, है कि नहीं? जब आप बुक्स तो पढ़ रहे हैं, बुक्स के एक्स्ट्रा अलावा भी पढ़िए, मस्ती भी तो करनी है ना? मस्ती के साथ साथ पढ़ाई हो रही है, इससे अच्छा क्या हो सकता है? कुछ नहीं हो सकता. ओके, सो एप्लीकेशन डाउनलोड करो. एप्लीकेशन पे क्विजेज बहुत सारी होती हैं, ठीक है, और क्लास की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहती है, तो आप कुछ मिस नहीं करते हैं, ठीक है? तो दैट इज़ अ गुड पॉइंट ऑफ दिस. नाउ टेलीग्राम एप्लीकेशन पर भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ठीक है ना? इफ़ आई टॉक अबाउट प्राइसेस ऑफ सब्सक्रिप्शन, देख के घबराना नहीं है. ये आपका, अगर आपके पास इतना टाइम है प्रिपेयर करने के लिए किसी भी कोर्स को, तो ये वाले जो हैं दोनों बेस्ट रहते हैं. क्यों बेस्ट रहते हैं? बिकॉज इनमें आपके पास ज़्यादा टाइम है कॉन्टेंट एक्सेस करने का भी. वीडियोज बार बार देखो, अगर आपको टाइम मिल रहा तो बार बार देखो उसको. बार बार देखने से क्या होता है, कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं. आपके डाउट्स बहुत बार आ रहे हैं तो उन डाउट्स को बार बार कॉन्टिन्यूसली क्लियर करते रहो. और क्या होता है, नए नए टीचर्स आते रहते हैं, है ना? तो हर एक का कोर्स देख डालो इतने टाइम में. आपके पास तो वैसे ही टाइम होगा बहुत सारा, इतना तो लोड होता भी नहीं है प्रेशर का इन सेवन स्टैंडर्ड, राइट? ओके, सो दीज आर ऑलवेज दी बेस्ट. नाउ इफ यू फील कि प्राइसेस बहुत ज़्यादा हैं, तो यूज़ माई कोड ISHI10 एंड यूल गेट अ 10% डिस्काउंट, ठीक है? तो हियर आर योर फाइनल प्राइसेस. अगर आपके पास टाइम नहीं है तो यू कैन ऑल्सो गो फॉर दीज टू, ठीक है? आप इन दोनों पे भी जा सकते हैं. डिफरेंट डिफरेंट कोर्स स्ट्रक्चर जो है, सब्सक्रिप्शन की फीस जो है वो चेंज होती रहती है, तो बी अपडेटेड. आ जाते हैं अपने मेन कॉन्सेप्ट पर, कॉन्टिनेंट्स. ना होते क्या है कॉन्टिनेंट्स गाइस? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कॉन्टिनेंट्स? हमारी अर्थ है, ठीक है, हमारी अर्थ है. अर्थ पर हमारा कुछ कुछ लैंड मास है और बाकी कुछ कुछ पानी है. यही है ना? बस यही है, और भी कुछ है? वी हैव सेवन कॉन्टिनेंट्स. वी हैव सेवन कॉन्टिनेंट्स मतलब कि हमारा जो लैंड मास है वो 7 मेजर टुकड़ों में बटा हुआ है, ये ऐसे समझो, ठीक है? देखो, दो चीज़ें हैं अर्थ पे, ज़मीन है जिसपे हम रहते हैं जिसको हम लिथोस्फेयर कहते हैं, और पानी है, हाइड्रोस्फीयर. ये हम ज्योग्राफी में पढ़कर भी आए हैं, है ना? तो अब हम जो जो पढ़कर आए हैं वो भी रिलेट करते रहेंगे, वरना फिर फायदा नहीं है ना पढ़ाई का. अभी हम कुछ पढ़ रहे हैं, उसको सिक्स क्लास से रिलेट नहीं किया तो क्या फ़ायदा, उसको 7 से रिलेट नहीं किया तो क्या फ़ायदा, उसको 8 से रिलेट नहीं किया तो क्या फ़ायदा, है ना? अपनी रियल लाइफ से रिलेट नहीं किया तो क्या फ़ायदा. तो आपने इन्वायरमेंट में देखा लिथोस्फीयर, हमने एटमोसफियर का पूरा एक चैप्टर पढ़ा है अभी, ठीक है? लिथोस्फीयर के बारे में हमने पूरा पढ़ा, अर्थक्वेक कैसे आता है, वॉल्केनो कैसे बनता है, सब कुछ पढ़कर आए हैं, ठीक है? सो जो कॉन्टिनेंट्स हैं, ये कॉन्टिनेंट्स क्या होते हैं? हमारी अर्थ पे दो ही चीज़ें हैं, पानी और मतलब अर्थ की क्रस्ट पे, ठीक है? एटमॉस्फेयर जो है वो ऊपर है, अर्थ की क्रस्ट पे सॉलिड चीज़ें दो ही हैं. क्या सॉलिड है? जरा पानी ये मत बोलना कि मैम पानी तो सॉलिड ही नहीं होता. नॉट लाइक दैट, यू कैन टच इट, यू कैन फील इट, ओके? सो दो चीज़ें हैं क्या? पानी और ज़मीन. तो जो पानी है वो मेजर, वो पूरा का पूरा डिवाइडेड है किस में? ओशियंस में. उसके लिए भी हम एक अलग से क्लास करने वाले हैं, ओशियंस को डिस्कस करने के लिए. फैसिनेटिंग फैक्ट्स पढ़ेंगे ओशियंस के, कितने डीप हैं, कौन सा डीपेस्ट पॉइंट है, सबसे ज़्यादा लोग कहाँ जाते हैं, क्यों जाते हैं, सब कुछ पढ़ेंगे. एवरीथिंग विल बी वेरी इंटरेस्टिंग आने वाले लेक्चर्स में, ठीक है? यहाँ पे हम देख रहे हैं व्हाट आर वी लर्निंग. वी आर लर्निंग अबाउट कॉन्टिनेंट्स. तो जो पानी वाला पार्ट है दैट इज डिवाइडेड इंटू ओशियंस, और जो लैंड वाला पार्ट है, जो लैंड वाला पार्ट है दैट इज डिवाइडेड इंटू कॉन्टिनेंट्स. तो जो भी पानी है वो सारा का सारा पानी ओशियन मान लो, और सारे के सारा जो लैंड मास है वो कॉन्टिनेंट्स मान लो, ठीक है? तो हमारे जो मेजर 7 पीसेज ऑफ लैंड ऑन अर्थ है, इधर उधर 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 उधर, वो सारे कॉन्टिनेंट्स, ठीक है? ग्रेट, परफेक्ट, मूविंग ऑन. तो हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, ये देख लो एक बार. टेबल ऑफ कॉन्टिनेंट्स देख लेना, बहुत अच्छी बात होती है ना, कोई हर्ज नहीं है टेबल ऑफ कॉन्टेंट्स देखने में. क्या होते हैं टेबल ऑफ कॉन्टेंट्स? क्या है टेबल ऑफ कॉन्टेंट्स इस चैप्टर के? व्हाट आर कॉन्टिनेंट्स? सॉरी, आई काइंड ऑफ फॉरगॉट टू पुट द क्वेश्चन मार्क. ओके, व्हाट आर कॉन्टिनेंट्स? होते क्या है कॉन्टिनेंट्स, ठीक है? अभी मैंने वैसे बता दिया, बट स्टिल, ठीक है ना? एशिया एज अ कॉन्टिनेंट, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप, एंटार्क्टिका एंड ऑस्ट्रेलिया, दीज आर नॉट मैंशन इन द ऑर्डर, बट ये सारे आपके 7 कॉन्टिनेंट्स हैं. सारे बहुत इंपॉर्टेंट है, और सबके बारे में कुछ 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 जानने को मिलेगा, और सबका हम मैप भी देखेंगे. मोस्ट फैसिनेटिंग. आप जो है बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज हो जाते होंगे जब भी वर्ल्ड मैप देखते होंगे कि ओहो मैम, मेरे को तो कॉन्टिनेंट्स के नाम ही नहीं आते, मुझे तो पता ही नहीं है कि यूरोप एशिया में है, एशिया और यूरोप में है,
ओके, यूरोप एंड एशिया अलग अलग है, ठीक है, साथ में नहीं है, राइट? तो वो सब देख लेंगे हम, आपके जो है वो भी दूर हो जाएंगे डाउट्स भी। तो व्हाट आर कॉन्टिनेंट्स? अगर अब कॉन्टिनेंट्स की डेफिनेशन की बात की जाए, तो अ कॉन्टिनेंट इज वन ऑफ द अर्थ सेवन मेन डिविजन्स ऑफ लैंड। समझ में आया? अ कॉन्टिनेंट, एक कॉन्टिनेंट क्या है? एक कॉन्टिनेंट क्या है कि अर्थ को अगर हम सात हिस्सों में काट दें, जो ऑलरेडी कटे हुए हैं सात हिस्से, उन सात हिस्सों में से एक को हम बोल सकते हैं कॉन्टिनेंट। मतलब सारे कॉन्टिनेंट्स हैं, अगर एक कॉन्टिनेंट को डिफाइन करना हो तो वन ऑफ द सेवन पीसेज ऑफ द लैंड। करेक्ट, अंडरस्टूड? दूसरी, अच्छा ये डेफिनेशन मैम अच्छी नहीं लगी, दूसरी बताओ, दूसरी बता दे। मेजर लैंड मासेज ऑन अर्थ आर टर्म्ड एज कॉन्टिनेंट्स। इससे ज्यादा सिंपल और इससे ज्यादा इजी कुछ भी नहीं हो सकता है, ठीक है? तो जो मेजर लैंड मासेस हैं अर्थ के ऊपर, पूरी हमारी अर्थ, धरती माता धरती के ऊपर, ठीक है, उसको हम बोल देते हैं कॉन्टिनेंट्स। करेक्ट, ग्रेट। मूविंग ऑन, सबसे पहला कॉन्टिनेंट हमारा आ जाता है, एशिया। आप सभी जानते हैं कि इंडिया जो है इज इन द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट विच इज एशिया। और कौन सी बड़ी बड़ी कंट्रीज हैं एशिया में? एशिया एक बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट कॉन्टिनेंट है, ठीक है? बहुत लाइक मेजर कंट्रीज हमारी सारी एशिया में है, ठीक है ना? इफ यू जस्ट काइंड ऑफ फॉरगेट अबाउट यूएसए जस्ट फॉर अ लिटिल वाइल, ठीक है? क्योंकि लाइक सी चाइना इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंट्रीज, रशिया इतनी बड़ी कंट्री, सब बिगेस्ट कंट्री, ठीक है, एरिया वाइज द लार्जेस्ट कंट्री। एंड देन चाइना मोस्ट पॉपुलेटेड, एंड सेकेंड पॉपुलेटेड इंडिया है, इंडिया भी, इंडिया फिफ्थ लार्जेस्ट बाई एरिया एंड ऑल, ये सब चलता है, ठीक है? ये बहुत जो है बड़ी बड़ी इकोनॉमीज हैं, ठीक है, नॉट बाई ए जस्ट बाई एरिया ये बड़ी कंट्रीज हैं इकोनॉमिकली, ठीक है? इकोनॉमिकली भी दे आर ऑल्सो रियली गुड। मूविंग ऑन, लेट्स जस्ट स्टडी क्या क्या है। तो एशिया नंबर वन, एशिया इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट ऑफ द सेवन कॉन्टिनेंट्स इन साइज। ये हमने देखा, ये हमें पता भी है, बहुत बेसिक है मैम, ये मत पढ़ाओ, ठीक है, सब पढ़ेंगे, थोड़ा 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 बेसिक से एडवांस जाएंगे, ठीक है? तो हम यहाँ क्या करने आए हैं? हम यहाँ बुक्स से बाहर पढ़ने आए हैं, ठीक है? तो बुक्स की तरह मत पढ़ो, रट्टा नहीं मारना, कॉपी पेन लेके मत बैठना, सिर्फ सुनो, एक बेसिक नॉलेज बनाओ, एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग बनाओ, उसके बाद तुम्हें खुद इच्छा होगी और जानने की, ठीक है? तो जब तक आप किसी चीज़ को एनालाइज नहीं करेंगे ना, जैसे अब ज्योग्राफी है, ज्योग्राफी के में मैंने बहुत बच्चों को बोला मैम मुझे तो समझ में ही नहीं आती, इतना डिफिकल्ट है, इतनी टफ है, माउंटेन पीक्स पढ़ो, लैंडफॉर्म्स पढ़ो, प्लेट्यूज पढ़ो, याद ही नहीं रहते। तो वो याद क्यों नहीं रहते हैं? क्योंकि आप जानने की इच्छा रख नहीं रहे हैं, ठीक है? अगर आप माउंटेन्स के बारे में पढ़ रहे हैं तो आपने देखा कि वर्ल्ड का हाइएस्ट माउंटेन जो है, हाइएस्ट माउंटेन पीक इज माउंट एवरेस्ट। तो क्या आपने ये याद करने के बाद माउंट एवरेस्ट को सर्च करके देखा इंटरनेट पे? आप इंटरनेट पे सारे दिन लगे रहते हैं टाइपिंग, कुछ कभी यूट्यूब देख रहे हैं, कभी कार्टून देख रहे हैं, कभी कुछ देख रहे हैं, कभी देखा कि माउंट एवरेस्ट एक्चुअली दिखता कैसा है, ठीक है? उस पर कैसे बर्फ जमी हुई है? क्या वो पूरी हिमालयन रेंज देखने की कोशिश करी? नहीं देखा। क्यों नहीं देखा? जस्ट वॉच इट, इट्स सो ब्यूटिफुल। वो देखोगे तो आपको और मजा आएगा देखने में कि और कौन सी कंट्रीज हैं जिसमें बहुत बड़ी बड़ी पीक्स हैं, ठीक है? उन पीक्स से कौन सी नदियां बहती है। तो जब आप अपने आप को रिलेट करने लगोगे ना चीज़ों से, तब आपको अच्छा लगेगा, ठीक है? ऐसे ही हिस्ट्री है, हिस्ट्री हिस्ट्री में आप पढ़ते हैं ताजमहल बनवाया शाहजहां ने, रेड फोर्ट बनवाया शाहजहां ने, आगरा फोर्ट बनवाया अकबर ने, ये बनवाया उसने, ये बनवाया उसने, आप देखना नहीं चाहते उन्हें, जस्ट गो एंड वॉच इट। आप घूमने जा रहे हो तो उसको देखो, उसकी ब्यूटी देखो, ठीक है? हिस्ट्री में देयर वाज दिस वन टॉपिक, कुतुब मीनार किसने बनवाया है, कैसा है कुतुब मीनार। कुतुब मीनार जो है उसकी वॉल जो है वो एंगुलर है, ठीक है, ज्योमेट्रिकल शेप्स बनी हुई हैं उस पर। तो ये जब आप कभी जाओ देखने तो ऑब्जर्व करो, हाँ, आपको देख के ऐसा यू विल बी शॉक्ड कि ऐसी टेक्निक्स उस टाइम में भी हुआ करती थी, 800 साल पहले भी, समझ रहे हैं? तो जस्ट ट्राई टू रिलेट योर एनवायरनमेंट, और एसएसटी में ये सब करना बहुत ईजी है। लाइक मैंने माना कि मैथ्स में थोड़ा सा टफ है, ठीक है, मैथ्स में रिलेट कर पाना थोड़ा टफ है, साइंस और एसएसटी तो ऐसे हैं कि आप डेली उनसे बातचीत करते हैं, ठीक है? आपकी बेसिकली सारे सब्जेक्ट ऐसे हैं जिनसे आप रिलेट कर सकते हैं। अब लैंग्वेज कोई सब्जेक्ट हम पढ़ रहे हैं तो लैंग्वेज में भी यही होता है, इवन इन द लैंग्वेज वी सी दिस। लैंग्वेज हम डेली यूज में बात कर रहे हैं ना, बात कर रहे हैं हम और तुम, आप अब भी बात कर रहे हैं एक दूसरे से, एक दूसरे को कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहे हैं, मैं आपको कुछ समझाने की कोशिश कर रही हूँ, आप कुछ समझने की कोशिश कर रहे हैं, तो आई एम यूजिंग द मीन्स ऑफ लैंग्वेज, राइट? तो लैंग्वेज लैंग्वेज इसलिए आप सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं, हिंदी इंग्लिश है ना, संस्कृत,
जब तक रिलेट करना चाहेंगे नहीं तब तक मजा नहीं आएगा, कुछ भी पढ़ लो ठीक है, वरना आपकी सारी जिंदगी कार्टून देखने में ही निकल जाएगी, जो कि नहीं निकलनी चाहिए। डिस्कवरी जैसे चैनल देखो, अच्छी चीजें देखो ठीक है। बी एन एक्टिव पर्सन ऑन द अर्थ, जब पॉलिटिकल साइंस पढ़ो तो बी एन एक्टिव सिटीजन ऑफ इंडिया, राइट राइट। सो एशिया जो है वो लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है ठीक है, इट हैज 60% ऑफ द पॉपुलेशन। ओ माई गॉड, 60% ऑफ द पॉपुलेशन का मतलब समझ रहे हैं, पूरी दुनिया में 100% होगी ठीक है, पूरा पूरी दुनिया को अगर होल माने तो पूरी दुनिया में 100% मतलब फुल पॉपुलेशन। उस फुल में से मोर देन हाफ रिसाइड्स इन एशिया ओनली, 7 कॉन्टिनेंट है तो उन 7 कॉन्टिनेंट्स बट कॉन्टिनेंट में बस 40% है एंड 60% इज इन एशिया। सो एशिया इज द मोस्ट मोस्ट पॉपुलेटेड कॉन्टिनेंट ऑन द वर्ल्ड, इन द वर्ल्ड आई वॉज सेइंग ऑन द अर्थ बट या ठीक है, समझ रहे हैं। इट कंटेन्स द वर्ल्ड लार्जेस्ट कंट्री एशिया एंड एंड द वर्ल्ड टू मोस्ट पॉपुलस कंट्री चाइना एंड इंडिया। आप जानते हैं कि चाइना की सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है ऑल पूरे दुनिया में ठीक है, और 2005 तक इंडिया विल ट्रेसपास चाइना ठीक है, मतलब 2025 में इंडिया जो है वो चाइना से भी आगे निकल जाएगा इन पॉपुलेशन। सो इंडिया विल बी द हाइस्ट पॉपुलेटेड कंट्री इन द होल वर्ल्ड, दैट्स अ बिग डील ओके। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट आ जाता है इसका, एशिया का। द कॉन्टिनेंट इज होम टू 10 हाइएस्ट पीक्स इन द वर्ल्ड, आई एम रियली सॉरी अबाउट दिस, 10 हाइएस्ट पीक्स मतलब पीक्स माने चोटियां पहाड़, तो 10 हाइएस्ट पीक्स इन द वर्ल्ड, टॉप 10 हाइएस्ट पीक्स इन द वर्ल्ड जो है कहाँ है, एशिया में। सबसे ज्यादा कौन सी बड़ी है, सबसे ज्यादा बड़ी है आपकी माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट अबाउट 8,800 समथिंग समथिंग किलोमीटर्स बड़ी, नॉ किलोमीटर्स नहीं मीटर्स, मीटर्स आई एम रियली सॉरी अबाउट दिस, मीटर्स ठीक है, किलोमीटर मत लिख देना बैंड बजा दोगे ठीक है ओके। एशिया सॉ द बर्थ ऑफ 2 ग्रेट एंशियंट सिविलाइजेशन, सिविलाइजेशन का मतलब समझते हैं यहाँ आ गया आपका हिस्ट्री ठीक है, आप ज्योग्राफी से तो जुड़ ही रहे, आपका हिस्ट्री भी आ गया, हड़प्पा सिविलाइजेशन आपकी, आपने 6th क्लास में पढ़ी थी ना इंडस वैली सिविलाइजेशन, वही है हड़प्पा सिविलाइजेशन ठीक है। तो ये जो है इंडिया, यहाँ एशिया में हुई थी ऑब्वियसली, यहाँ पे आपको पता है इंडस वैली के पास ठीक है, एंड चाइनीज सिविलाइजेशन। नाउ चाइनीज सिविलाइजेशन इज समथिंग विच यू आर नॉट फेमिलियर विद, सो दिस इज योर होमवर्क, वट यू हैव टू डू आफ्टर दिस लेसन, गो एंड सर्च फॉर चाइनीज सिविलाइजेशन, इसका एक इसकी इस पर रिसर्च करिए ठीक है, खुल के देखिए क्या हुआ था, कैसे जो चाइनीज सिविलाइजेशन है, हाउ डिड इट हैपन, कहाँ कहाँ हुई, आपको बहुत मजा आएगा सीरियसली, यू विल बी कनेक्टेड टू हिस्ट्री एज वेल राइट ओके। आपकी जनरल नॉलेज कितनी ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगी आपको आइडिया भी नहीं है। द मेजर एनिमल्स फाउंड इन एशिया आर, मेजर एनिमल्स एशिया में कौन से हमें मिलते हैं, रेटिक्यूलेटेड पाइथन्स मतलब स्नेक्स का एक टाइप है पाइथन, टाइगर है, पांडा है, पांडा ज़्यादा चाइना में होता है ठीक है, याक्स हैं और राइनोसोर्स हैं ठीक है, ये जो है इंडियन राइनोसोर स्पेसिफिकली, सो देर बी देर डेफिनेटली बी इंडिया है ना। तो ये कुछ मेजर एनिमल्स हैं जो आपको इस कॉन्टिनेंट पे देखने को मिलेंगे। सो हमने इस अभी पिछले 5 से 6 मिनट में क्या देखा, हमने देखा कि एशिया जो है 60% ऑफ द पॉपुलेशन कैरी कर रहा है, मतलब एशिया में 60% ऑफ द पॉपुलेशन है। दूसरा हमने क्या देखा कि वर्ल्ड लार्जेस्ट कंट्री, मतलब यहाँ पे हमें क्या क्या चीज़ें देखने को मिली, 60% ऑफ पॉपुलेशन इंडिया में एशिया में, लार्जेस्ट कंट्री कौन सी है, एशिया है, ये हमें पता चला ठीक है। दूसरी चीज़ हमें क्या पता चली कि एक सेकेंड, दूसरी चीज़ हमें क्या पता चली कि दो पॉपुले मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्रीज जो कि इंडिया और चाइना है, ये हमें पता चली, दो मोस्ट पॉपुलेटेड, तो वट वट कौन सी है, चाइना एंड इंडिया, सो चाइना इज नंबर वन एंड इंडिया इज टू। हाईएस्ट पीक्स हमें पता चली, हाईएस्ट पीक नंबर वन इज माउंट एवरेस्ट, वो भी एशिया में ही है, और बहुत सारी K2 कंचनजंगा ये सब जो है एशिया में, तो ये माउंटेन्स के लिए भी मैंने एक अलग से बहुत इंटरेस्टिंग आपका लेक्चर डिज़ाइन किया है ठीक है, वो भी हम देखेंगे, उसमें भी देखेंगे क्या क्या हमने कौन सी इंपॉर्टेंट माउंटेन पीक्स हैं, किस किस तरीके के माउंटेन होते हैं, कैसे कैसे फॉर्म होते हैं, सब देखेंगे, बहुत अमेजिंग लेक्चर है वो, मैंने बहुत ब्यूटीफुल पिक्चर्स डाली हैं उसमें, आप देखते ही ऐसे आँखें फट जाएंगे आपकी ठीक है। सो हमने देखा हड़प्पा सिविलाइजेशन एंड चाइनीज सिविलाइजेशन ठीक है। एनिमल्स तो एक बहुत कॉमन चीज़ है, हम आप एनिमल्स देखते हैं कैसे देख रहे हैं, आपने जू में भी देखे हैं, तो दैट ओनली
ठीक है, टाइगर एंड ऑल, ये रॉयल बंगाल टाइगर जो है बहुत ज़्यादा फेमस है। इसमें रॉयल बंगाल नहीं लिखा हुआ है, बट रॉयल बंगाल टाइगर जो है बहुत ही अच्छी एक ब्रीड ऑफ टाइगर है जो मानी जाती है, ठीक है, ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो ये भी याद रखेंगे, इसमें मेंशन नहीं है, व्हाटएवर। सो हियर इज़ द मैप, ठीक है, यहाँ ये जो ग्रे ग्रे है, ये हाँ यहाँ मत जाना, दिस इज़ यहाँ से इट्स योर यूरोप, ठीक है, ये दूसरा यूरोप आ जाता है। अच्छा, वन थिंग आई वुड लाइक टू टेल यू कि यूरोप और एशिया जो है वो जुड़े हुए हैं, ठीक है, अलग अलग नहीं है। यहाँ पे उरल माउंटेन्स हैं, ठीक है, जिससे एशिया और यूरोप अलग अलग हैं, ठीक है, एंड या यस वन सेकेंड, यहाँ पे आपके माउंटेन्स हैं, माउंटेन रेंज है, आई एम रियली सॉरी, यहाँ पे माउंटेन रेंज रेंज है पूरी, ठीक है, इससे ये एशिया रशिया और ये यूरोप अलग अलग है। अब ये क्योंकि पूरा एक लैंड मास एक ही है लगभग, ठीक है, एक ही है लगभग, तो इसको हम बोल देते हैं यूरेशिया, मतलब यूरोप एंड एशिया का मिक्सचर इज यूरेशिया। तो वो लैंड मास पूरा एक ही है क्योंकि, है ना, मतलब लैंड मास। अब तुम कहोगे कि मैम उसको पूरा यूरेशिया ही क्यों नहीं बोला हमने, 6 कॉन्टिनेंट्स क्यों नहीं माने, वो इसलिए क्योंकि कॉन्टिनेंट्स कुछ कुछ बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता, ठीक है ना, तो दिक्कत आती कुछ कुछ चीज़ों में। और ये काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे नीचे भी नीचे नीचे भी अलग अलग है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल पूरा ही जुड़ा हुआ है, मोस्टली अलग है, ठीक है, तो इसलिए अब यूरोप अलग। कंट्रीज देख लो कौन सी है, रशिया है, कजाकिस्तान है, उज्बेकिस्तान है, तुर्कमेनिस्तान है, अफगानिस्तान, ईरान, सऊदी अरेबिया, इराक, ठीक है, सीरिया, टर्की, मंगोलिया, चाइना, इंडिया, पाकिस्तान, भूटान, श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड, इंडोनेशिया, इतनी सारी कंट्रीज़ है, बहुत सारी कंट्रीज़ है। तो ये कुछ मेजर कंट्रीज हैं जो मैंने आपको बताई है, ये याद रखेंगे। दिस इज़ काइंड ऑफ द मैप ऑफ एशिया, एंड प्लीज़ 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 डू नॉट फॉरगेट दीज कंट्रीज़। एंड इंडोनेशिया इज ऑल्सो काइंड ऑफ इम्पॉर्टेंट, एंड ठीक है, ये जो है आपको पता होनी चाहिए, जापान ऑब्वियसली, ठीक है, ये कुछ कंट्रीज हैं जो जो आपको पता होनी चाहिए कि ये इंडिया, ये एशिया में ही है ना। जापान इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट कंट्री देखा जाए तो, है ना, तो ये कुछ मेजर कंट्रीज हैं विच आर वेरी इंपॉर्टेंट कंट्रीज इन इंडिया। क्योंकि देखो आप जानते हैं कि चाइना एक डेवलप्ड कंट्री है और ये सब ये सब, इंडिया जो है वो लार्जेस्ट डेवलपिंग कंट्री, ठीक है, सबसे बड़ी डेवलपिंग, है ना, कि मतलब एक टाइम के आने के बाद जब डेवलप हो जाएगी तो इट विल बी अ ग्रैंड कंट्री टू लिव इन एंड टू बी एन या वट एवर, ठीक है। तो ये आपने अब तक देखा, वट डिड यू सी अबाउट, यू सॉ अबाउट एशिया। अफ्रीका पे आ जाते हैं, दूसरा लार्जेस्ट, ठीक है, अफ्रीका इज अ सेकेंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। अफ्रीका से इक्वेटर पास होता हुआ जाता है, सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ मैंने आपको पहले बता दी और इसमें मैंशन नहीं किया है, ठीक है। तो एशिया से होता हुआ इक्वेटर जाता है, अब जानते हैं कि इक्वेटर जो है, मैं वापस आपको ज्योग्राफी की बुक में लेके जाती हूँ, ठीक है, ये इक्वेटर है, ठीक है, यहाँ सन है, तो इक्वेटर में सबसे ज़्यादा हीट आती है, ये आप जानते हैं। तो यहाँ ये वाला जो है एरिया है, दैट इज़ लो प्रेशर एरिया, सबसे ज़्यादा हीट आती है, तो गर्मी भी रहती है ऑब्वियसली ना, यहाँ पे क्योंकि लो प्रेशर एरिया है तो बारिश वारिश ऑल होता है, होती रहती है। अब तुम कहोगे कि मैम लो प्रेशर एरिया क्या होता है वो समझाओ, तो बेटा जस्ट गो एंड वॉच योर ज्योग्राफी लेसन्स, ठीक है। अब यहाँ पे आपको आपका आपके पास फेस्टिव सीजन है तो स्कूल की क्लासेस भी ज़्यादा नहीं चल रही होंगी, तो अपना एटलीस्ट वीडियो लेक्चर्स जो है यहाँ वाले कंप्लीट कर लो, ठीक है ना। ज्योग्राफी देख लो थोड़ी सी देख लो, जब हिस्ट्री की बात करेंगे तब मैं कहूँगी थोड़ी सी हिस्ट्री देख लो, ठीक है। सो अफ्रीका, अफ्रीका इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है, सेकेंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है वर्ल्ड में, बहुत सारी कंट्रीज हैं, ठीक है, बहुत सारी इंपॉर्टेंट कंट्रीज भी हैं। द वर्ल्ड लॉन्गेस्ट रिवर द नाइल, ठीक है, ये जो है इजिप्ट में है, इजिप्ट एक कंट्री है अफ्रीका में। नाइल जो है सबसे लंबी नदी पूरी दुनिया की इस कॉन्टिनेंट में स्थित है। एंड द वर्ल्ड लार्जेस्ट डेजर्ट, ओ माई गॉड, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। हम हर कॉन्टिनेंट के बारे में कुछ कुछ चीज़ें पढ़ते जा रहे हैं, कॉन्टिनेंट के साथ साथ हमें बेसिक जनरल नॉलेज भी मिलती जा रही है। दुनिया की सबसे बड़ी नदी है नील नदी, ठीक है, हिंदी में नील बोलते हैं और इंग्लिश में नाइल। तो और जो डेजर्ट है, सबसे बड़ा डेजर्ट है वो सहारा डेजर्ट है, दोनों के दोनों आपके अफ्रीका में है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। डेजर्ट्स के बारे में आई हैव ऑल्सो क्रिएटेड, क्योंकि मैं सारे लैंड फॉर्म्स धीरे धीरे कवर कर रही हूँ जस्ट टू मेक यू एन इन्फॉर्म्ड पर्सन, ठीक है, एटलीस्ट लैंड फॉर्म के बारे में पता हो। तो मैंने बेसिक आपके सारे लैंड फॉर्म धीरे धीरे कवर किए हैं, तो डेजर्ट वाला लैंड जो लैंड लैंड फॉर्म है वो कवर हो चुका है, तो वो लेक्चर भी आप देख सकते हो। सो मैंने डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेजर्ट देखे हैं, उन डेजर्ट में कौन से एनिमल्स होते हैं
वो सब हमने देखा है। वर्ल्ड हॉटेस्ट प्लेस, दुनिया की सबसे गर्म जगह इथियोपिया जो है वो अफ्रीका में सबसे गर्म। अब क्योंकि देखा वो इक्वेटर जो है पास होता हुआ जाता है, तो बिल्कुल एकदम बीचों बीच है अफ्रीका, तो बहुत ज़्यादा गर्मी रहती है यहाँ पे। ठीक है, सो ये जो है इथियोपिया इज इन अफ्रीका एंड इथियोपिया इज टर्म्ड एज वर्ल्ड हॉटेस्ट प्लेस। ठीक है, दुनिया की सबसे गर्म जगह। ठीक है, और लास्ट मैंने हर एक में मेजर एनिमल्स डाले हैं, तो मेजर एनिमल्स कौन से हैं, चीता है, वंस अगेन चीता है, अफ्रीकन एलिफेंट है, लायन है, ठीक है, जेब्रा, इजिप्शियन मोंगूज, ठीक है, इजिप्शियन मोंगूज है, जिराफ है, एडेक्स है। ठीक है, ये सारे आपको जानवर देखने को मिलेंगे। अब अफ्रीका से रिलेटेड व्हाट इज योर होमवर्क, नाउ यू हैव टू फाइंड आउट विच इज द एनिमल एडेक्स। अब तो मुझे पता है 100% आपको नहीं पता कि एडेक्स कैसा दिखता है। ठीक है, तो आप जाइए उसके बारे में देखिए, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स आप देखें, ठीक है, कि क्या स्पेशल उसके बारे में है, क्या यूनिक उसके बारे में। ठीक है, तो जब आपका कहीं इसका मेंशन आएगा तो आपको पता चलेगा। ठीक है, सो माय मेन मोटिव इज टू मेक यू कनेक्टेड विद योर सोशल स्टडीज। ठीक है, आप सोशल स्टडीज को बोरिंग 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 बहुत ओवर रेटेड शब्द कर दिया बोरिंग SST के लिए, नहीं है इतना ज़्यादा। ठीक है, इतना ज़्यादा प्रेशर लेने की ज़रूरत नहीं है, अच्छा बनाने आए हैं SST को तो अच्छा बना के रहेंगे आपके लिए। ठीक है, तो कनेक्ट करो, और आपके पास तो अब टेक्नोलॉजीज भी हैं, आप वीडियो लेक्चर के बाद सारी चीज़ें जो है रिसर्च करना। ठीक है, बैठ जाओ कॉपी पेन लेके, अगर बैठना है तो नोट कर लो, बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें आ रही हैं। राइट, नेक्स्ट मैप ऑफ अफ्रीका, देखो ये है हमारा मैप। नाउ इस साइड हमारा, इसके ऊपर ऊपर जो है यूरोप है, इसके यहाँ पे यूरोप है, उसके और उधर जाओगे तो एशिया है। काइंड ऑफ फॉरगॉट टू पुट अ वर्ल्ड मैप, आई शुड हैव पुट अ वर्ल्ड मैप, बट इट्स ओके, कोई बात नहीं। नाउ देखो यहाँ पे आपके मैंने जान के पॉलिटिकल मैप डाला है, आपको मेजर कंट्रीज पता चल जाएंगी। सबसे इंपॉर्टेंट कंट्री साउथ अफ्रीका है, ठीक है, यहाँ पे लिबिया है, इजिप्ट है, सूडान है, नाइजर है, अल्जीरिया है, यहाँ पे जो है आपका सहारा डेजर्ट है। ठीक है, सहारा डेजर्ट इन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ अफ्रीका, याद रखेंगे यहाँ ये पूरा जो है यहाँ डेजर्ट है सहारा। ठीक है, सहारा डेजर्ट इसका इस पार्ट में नहीं है, तो मैं जस्ट यहीं लिखूंगी। ठीक है, सहारा डेजर्ट है। ठीक है, ओके, ग्रेट मैम, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। तंजानिया इज एन इम्पॉर्टेंट कंट्री, केन्या जो है ये है। अच्छा देखो मैं बताती हूँ कि अफ्रीका जो है ना बहुत रिच कल्चर भी है, बहुत रिच हिस्ट्री भी है अफ्रीका की। ठीक है, वो ब्लैक्स से रिलेटेड, राइट, क्योंकि इन लोगों ने बहुत स्ट्रगल किया एंड एवरीथिंग, अमेरिका से रिलेटेड भी बहुत कुछ स्टफ है, तो अगर आप पढ़ेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। ठीक है, यहाँ से देखो एवरीथिंग डिपेंड्स अपॉन यू, यू आर स्टडिंग नॉट फॉर एनीवन, अपने पेरेंट्स के लिए नहीं पढ़ रहे हो, हमारे लिए नहीं पढ़ रहे हो, यू आर स्टडिंग फॉर योरसेल्फ। ठीक है, तो आप क्योंकि अपने लिए पढ़ रहे हो तो आपको अपने लिए इंटरेस्टिंग चीज़ें इकट्ठा करना है ना। क्या क्या इंटरेस्टिंग चीज़ें इकट्ठा कर सकते हो, वट इंटरेस्टिंग थिंग्स कैन यू कलेक्ट फॉर योर सेल्फ, फैक्ट्स, अमेजिंग फैक्ट्स। अमेजिंग फैक्ट्स कहते हैं ना, ये अमेजिंग फैक्ट्स ही आपकी जनरल नॉलेज बनाते हैं। ठीक है, अमेजिंग फैक्ट्स ही आपकी जनरल नॉलेज बनाते हैं। ठीक है, तो पढ़िए इन्हें, अपनी अपने देश को, अपनी अर्थ को, सबको जानिए, आपको मजा आएगा, ट्राई टू फील कनेक्टेड। ठीक है, थर्ड कॉन्टिनेंट हमारा आ जाता है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया जो है, ऑस्ट्रेलिया इज द वर्ल्ड्स स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट। ठीक है, और इसको बोला जाता है आइलैंड कॉन्टिनेंट। क्या बोला जाता है, आइलैंड कॉन्टिनेंट भी बोला जाता है। क्यों बोला जाता है, बिकॉज ये एक कंट्री कॉन्टिनेंट है, मतलब इस ये कॉन्टिनेंट एक कंट्री भी है, समझ रहे हैं, मतलब यहाँ इस कॉन्टिनेंट में कंट्रीज डिवाइडेड नहीं है, दिस इज द कंप्लीट कंट्री कॉन्टिनेंट, और ये एक ऐसा सा पीस ऑफ लैंड है। ओके, हैव पुट द मैप, या दिस इज द, यू कैन सी द मैप। ठीक है, तो इतना ही है ये, इसमें कोई कंट्री डिवाइडेड नहीं है, दिस इज कंप्लीट अ कंपनी ओनली, कंट्री ओनली। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या है कि ये पूरा 2/3 ऑफ इट्स पार्ट, मतलब अगर इसके तीन हिस्से कर दिए जाए तो तीन में से दो भाग जो है, तीन में से दो भाग जो है वो कैसे हैं, तीन में से दो भाग उसके डेजर्ट्स हैं। ठीक है, डेजर्ट्स आर द, दिस इज द मेजर पार्ट इज कवर्ड बाय डेजर्ट्स। ओके, दिस इज द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट एंड ऑल्सो नोन एज द आइलैंड कॉन्टिनेंट। आई एम रियली सॉरी, मैंने इसमें लिखा हुआ था, मुझे पता नहीं था। टू यूनिक एनिमल्स आर कैंगरू एंड प्लैटिपस। अब आपको इसमें क्या रिसर्च करनी है,
प्लैटिपस कैसा दिखता है वो देखेंगे। बहुत सारे बच्चों ने प्लैटिपस पेरी, एक कार्टून आता था फीनियस एंड फॉग, उसमें देखा होगा। ठीक है, तो आपको रिलेट करना है, कार्टून से भी रिलेट कर सकते हैं हम लोग, है ना। तो जाके देखो क्या क्या है। मैप के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। तो ये देखो, ये आपका ऑस्ट्रेलिया आ जाता है। ये देखो, यहाँ पे सुनामी डेजर्ट्स है, ठीक है, ये बैरो रेंज है, पहाड़ है ये, ठीक है। ये देखो ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट, जैसे कि बोला था ना कि बहुत सारे डेजर्ट्स है, तो ये गिब्सन डेजर्ट है, ग्रेट सैंडी डेजर्ट है, 2/3 जो है ये पूरा का पूरा डेजर्ट से ही भरा हुआ है, सिम्पसन डेजर्ट, ठीक है। ये ग्रे रेंज है, ये तो माउंटेन्स हैं आपके, ठीक है। दिस इज ऑल्सो द माउंटेन, ये जो पतली पतली लाइन्स हैं, दीज आर दिस मस्ट बी द रिवर्स, ठीक है। और आपका बहुत सारे लेक्स आपको दिखाई दे रहे हैं। अगर इफ आई मेंशन द लेक्स, वन सेकेंड, लेट मी जस्ट चेंज द इंक कलर सो दैट आपको दिखाई दे जाए लेक्स भी, राइट। सो ये रहे आपके लेक, लेक मैक्लॉयड, लेक ऑस्टिन, लेक बार बार्स, वन सेकेंड, बार्ली, आई एम रियली सॉरी, रेसन लेक, कितने सारे लेक्स हैं, लेक हियर ऑल्सो एंड लेक डिसअपॉइंटमेंट। आर यू सीइंग द नेम्स? ये लेक डिसअपॉइंटमेंट याद रखना भाई, ये तो भाई मजा ही आ गया। लेक डिसअपॉइंटमेंट नाम का भी एक लेक है ऑस्ट्रेलिया में, है ना। यहाँ पे देखो, यहाँ पे लेक्स ही लेक्स हैं, कितने सारे लेक्स हैं, लेक 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 लेक, एंड 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 दैट्स इट आई गेस। और भी कुछ है क्या? गिलबर्ट, मिशेल, ये सब आपके तो छोड़ दो, ये दीज अ प्लाच, प्लैटियूज देख लो ना। वुड यू अंडरस्टैंड बाय प्लैटियूज? यू गाइज नो वट इज प्लैटियू? वट इज अ प्लैटियू? डू यू गाइज नो वट इज अ प्लैटियू? एक माउंटेन अगर ये है तो ये माउंटेन है क्यों? क्योंकि इसकी पीक है, इसकी चोटी है, ठीक है। अगर ये एक चीज है, इफ दिस इज वन थिंग देन दिस इज अ प्लैटियू, टेबल लाइक उठा हुआ बम्प, ठीक है। टेबल लाइक स्ट्रक्चर इज अ प्लैटियू, उसकी पीक नहीं होती है, लेकिन ये रेज लैंड होता है, पीक नहीं होती है, ठीक है। ऐसी चोटी नहीं है माउंटेन की तरह, ऐसे ऐसा नहीं है, ऐसा है उठा हुआ है, लेकिन ठीक है ना। तो इफ आई मेक इट लाइक दिस, दिस इज दी योर प्लैटियू। तो प्लैटियूज भी हैं इधर, ठीक है। तो बहुत कुछ है, लेट मी फाइंड समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग फॉर यू नाउ। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन पास करता है इससे, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन पासेस थ्रू आपका एकदम मिड से पास कर रहे। देखो, अगर कुछ बहुत पतली पतली लाइंस दिखाई दे रही होंगी तो ये रहा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, एकदम चीरता हुआ जा रहा है ऑस्ट्रेलिया को, याद रखेंगे। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्या होता है? दिस अ बिग लैटिट्यूड, ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। नाउ इंडिया से कौन सा पास करता है गाइस, बताओ फटाफट। इंडिया से पास करता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, क्या पास करता है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, याद रखेंगे। क्या है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर? लैटिट्यूड्स हैं। अगर आपको ये पता नहीं है कि लैटिट्यूड्स क्या होते हैं, तो अपनी ये बहुत अच्छा टाइम है अपनी 6th की बुक उठा के रिवाइज करने का, ठीक है, क्योंकि ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है गाइज। आप 12th के बाद कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में बैठने जाओगे, किसी भी में जिसमें GK आ रही है, उसमें यही सब आता है, ठीक है। तो अगर ये पढ़ लोगे तो आपको दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अगर अच्छे से अभी पढ़ाई कर लोगे तो। ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट डेजर्ट है, ठीक है। और ये याद रखना कि 3 में से 2 हिस्से जो हैं इस पूरे कॉन्टिनेंट के, वो रेगिस्तानी है, रेत ही रहता है, ठीक है। मूविंग ऑन टू द नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्टिनेंट है, क्यों? क्योंकि इसमें आ जाती है आपकी स्टेट USA। आप सभी जानते हैं USA एज अ कंट्री कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा पावरफुल कंट्री है, ठीक है। बहुत बड़ी इकोनॉमी है, बहुत बड़ी आर्मी है, सब कुछ, द पावरफुल कंट्री इन द वर्ल्ड इज USA, और वो इसमें ही है, ठीक है। USA, कैनेडा, ग्रीनलैंड, राइट, नॉर्थ अमेरिका में है, ठीक है। द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन द वर्ल्ड, लेक सुपीरियर, इज लोकेटेड इन दिस कॉन्टिनेंट। फ्रेश वाटर, फ्रेश वाटर लेक माने साफ पानी का, ठीक है। मतलब जैसे अर्थ पे फ्रेश वाटर है और सलाइन वाटर है, सलाइन इज नमक, खारा पानी जो ओशन का होता है, वो पीने लायक नहीं है, उसको पी नहीं सकते। इन फ्रेश वाटर इज विच वी कैन ड्रिंक आफ्टर फिल्टरिंग ऑब्वियसली, लेकिन पिया जा सकता है। तो वो फ्रेश वाटर लेक है लार्जेस्ट जो पूरे उसमें, तो उसका नाम है लेक सुपीरियर, एंड दैट इज इन नॉर्थ अमेरिका।
याद रखेंगे, हम बहुत सारी चीज़ें नई नई सीख रहे हैं, ठीक है। एकदम रट्टा मारने वाली बात नहीं, चिल करके सुनो थोड़ी बहुत। इस अगर जो मैं पढ़ा रही हूँ उसमें से 20% भी याद रह गया तो मज़ेदार, मज़े बात है, मज़े आने वाले हैं। द वर्ल्ड्स थर्ड लॉन्गेस्ट रिवर द मिसिसिपी, मिसिसिपी इसकी स्पेलिंग याद रखेंगे, ठीक है। मिसिसिपी जो है थर्ड लॉन्गेस्ट रिवर है ऑन द इन द वर्ल्ड, और वो सिचुएटेड है आपकी नॉर्थ अमेरिका के कॉन्टिनेंट में। अच्छा ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, द वर्ल्ड्स स्मॉलेस्ट आउल, दुनिया का सबसे छोटा क्या, उल्लू, आउल, ठीक है। दी एल्फ जिसका नाम, जिस ब्रीड, उस ब्रीड का नाम रखा हुआ है दी एल्फ, वो यही मिलता है इस कॉन्टिनेंट में, आपको देखने को मिलेगा एल्फ, ठीक है। वो बहुत छोटे छोटे आउल्स होते हैं, बहुत प्यारे प्यारे क्यूट क्यूट से आउल्स, ठीक है। दीज आउल्स आर कैन बी फाउंड इन नॉर्थ अमेरिका। द अदर मेजर एनिमल्स ऑफ नॉर्थ अमेरिका आर, और मेजर एनिमल्स कौन से हैं नॉर्थ अमेरिका के, ठीक है। ब्राउन बियर्स, हमिंग बर्ड्स, बॉल्ड ईगल्स, ब्राउन बियर, ब्राउन बेयर एंड बुल फ्रॉक्स, ठीक है। तो ये कुछ कुछ एनिमल्स हैं जो आपको देखने को मिलेंगे। अब मुझे पता है इसमें से भी आपको बहुत सारे जो हैं समझ में आएंगे, वैसे समझ में आ जाने चाहिए। ये आपका बियर है, अच्छा ब्राउन बियर दो बार आ गया, आई एम रियली सॉरी अबाउट दिस, दिस शुड बी दी हियर ना। बुल फ्रॉक्स के बारे में हो सकता है आपको ना पता हो, ये तो इतना तो पता चल ही रहा है नाम से कि अच्छा एक तरीके के फ्रॉग्स हैं, ठीक है। यहाँ से आपको पता चल रहा है एक तरीके की ईवेल है। हमिंग बर्ड से तो आप परिचित है ना, हमिंग बर्ड इज वर्ल्ड स्मॉलेस्ट बर्ड पूरी दुनिया की। तो यहाँ पे क्या क्या दो दो चीजें स्मॉलेस्ट मिलती हैं, क्या उल्लू स्मॉलेस्ट, ठीक है, और स्मॉलेस्ट बर्ड। इफ यू हैव एवर सीन लाइक हमिंग बर्ड इज इतनी सी, एंड वो इतनी प्यारी होती है ना, इट्स सो ब्यूटिफुल, उसको देख के मजा आ जाता है। वेन आई सॉ इट वॉज लाइक ऑफ, तो इतनी छोटी सी तो बहुत तेज फड़फड़ा रहे थे उसके पंख, और वो बहुत ही शाइनी ब्लूइश कलर की थी, और तो उसको देख के मजा आ गया था। आई जस्ट सॉ इट बाय चांस, पता नहीं मुझे किसी पार्क में दिख गई थी ऐसे ही रैंडमली, मजा आ गया था उस दिन तो, मतलब आई वॉच्ड समथिंग न्यू, ठीक है। तो ये आपका जो है एग्जाम्पल है नॉर्थ अमेरिका का। वन सेकेंड, यस, सो हियर आर योर इम्पोर्टेंट कंट्रीज, ग्रीनलैंड, ठीक है, कैनेडा, यूनाइटेड स्टेट एंड मेक्सिको, ठीक है। तो यहाँ पे देखो अटलांटिक ओशियन है, ठीक है, गल्फ ऑफ मेक्सिको है आपका, बहामाज है, ठीक है, ये याद रखेंगे। बहुत मेन इंपॉर्टेंट कंट्रीज याद रखो, ग्रीनलैंड, कैनेडा एंड यूएसए, ठीक है, ये आपकी मेजर कंट्रीज हैं। ऑलराइट, आर्कटिक ओशियन यहाँ पे है आपका, और कुछ इंपॉर्टेंट एंड पैसिफिक ओशियन, देखो कितने बड़े बड़े ओशियन से आपका एक कवर्ड है, पैसिफिक ओशियन, अटलांटिक ओशियन, और ऊपर की तरफ आर्कटिक ओशियन से है, ठीक है ना। ये वेस्ट में, मतलब यहाँ इसके इस तरफ जो है आपका यूरोप आएगा, एशिया आएगा, और इसकी थोड़ी सी ऐसे की तरफ जाओगे तो यहाँ अफ्रीका है आपका पूरा, ठीक है ना। तो आई एम गिविंग यू अ ब्रीफ एग्जांपल, ये कहाँ कहाँ पे है, आपको जोड़ना आपका खुद का काम है। एंटार्क्टिका पे आ जाओ ना, दिस इज माई फेवरेट, दिस वंस इज माई फेवरेट, हाउ इज माई, इट इज माई फेवरेट। देखो एंटार्क्टिका पे कोई नहीं रहता है, सबसे बड़ी बात। तो बोलोगे कि मैम फेवरेट क्यों है, फेवरेट इसलिए क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। ये तो मैंने लाइक इसका 10% लिखा है, ठीक है, तो इसमें बहुत इंटरेस्टिंग है, ठीक है, बहुत ज्यादा डीप में नहीं घुसूंगी क्योंकि मेरा फेवरेट है। तो बोलोगे तो मैम आपने तो अपना फेवरेट वाला बहुत देर तक पढ़ाया, ऐसा नहीं कर रही हूँ, ठीक है, बेसिक बेसिक पढ़ाते हैं, ठीक है। तो क्या है, एंटार्क्टिका इज नॉट ओनली द कोल्डेस्ट प्लेस ऑन अर्थ बट ऑल्सो द हाइएस्ट, ड्राइएस्ट, विंडीएस्ट एंड एम्प्टीएस्ट। मतलब कि सबसे पहले तो कोल्डेस्ट तो है, इस पे मिनिमम टेम्परेचर आज तक नोट किया गया है 89 डिग्री सेल्सियस समथिंग, जानते हैं -89, जब यहाँ पे टेम्परेचर 4 या 3 होता है ना दिल्ली में, तो हमारी कुकड़ी जम जाती है गंदी वाली 3 या 4 पे। तो अभी सोचो -89 डिग्री सेल्सियस यहाँ पे टेम्परेचर नोट किया गया है, कोल्डेस्ट प्लेस, कोल्डेस्ट टेम्परेचर ऑफ अर्थ हैज बीन नोटेड इन एंटार्क्टिका, समथिंग इज अबाउट 89 डिग्री सेल्सियस। 70% जो है अर्थ का फ्रेश वाटर यहीं पे, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए कॉन्टिनेंट, है ना। इस कॉन्टिनेंट को कुछ नहीं होना चाहिए, करेक्ट।
ओके, इट इज ऑल्सो कॉल्ड द व्हाइट कॉन्टिनेंट. ऑब्वियसली बर्फ ही बर्फ है तो वो व्हाइट कॉन्टिनेंट ही कहलाएगा. एंटार्क्टिका में कोई नहीं रह सकता क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड है. साइंटिस्ट एंड ऑल गोज देयर फॉर रिसर्च पर्पसेस, लेकिन और नॉर्मल वहाँ पे पब्लिक नहीं रह सकती है. तो ये क्यों कह रहे हैं, विंडीएस्ट क्यों, बहुत तेज़ हवाएं चलती हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर वाला एरिया है, तो ये हीट नहीं पहुंच पाती है, इसलिए हवा ठंडी है. हवा जो ठंडी, जब हवा ठंडी होती है तो वो हैवीएस्ट हो जा हैवी हो जाती है एयर. एयर व्हेन कोल्ड इज हैवी, तो हैवी एयर टेंड्स टू मेक मोर प्रेशर ऑन अर्थ. तो पोल्स पे, दोनों पोल्स पे, नॉर्थ में भी साउथ में भी, ये साउथ पोल में है तो साउथ पोल में भी दोनों में हाई प्रेशर रहता है, ठीक है. तो ड्राइएस्ट भी है, बहुत ज़्यादा सूखा है. आप जानते हैं कि सर्दियों में बहुत ज़्यादा ड्राइनेस होती है, होंठ फटने लगते हैं, हाथ फटने लगते हैं, बहुत इरिटेशन होती है ना. तो ऐसा ही है, ड्राइएस्ट भी है, विंडीएस्ट भी है. और एम्प्टीएस्ट क्यों बोला जाता है, क्योंकि खाली है, कोई नहीं रहता है, ठीक है, रह नहीं सकता है, मतलब कोई चॉइस नहीं कि रह नहीं सकता है बस, ठीक है. तो यहाँ पे एक फिनोमेना है कि जो अर्थ, ये एंटार्क्टिका है, यहाँ 6 महीने सर्दी, 6 महीने दिन और 6 महीने रात. 6 महीने दिन, 6 महीने रात का कॉन्सेप्ट है. अब ये क्यों है, ये आपका 6th क्लास का टॉपिक है. वही फिर से मैं कहूँगी कि रिवोल्यूशन और रोटेशन अगर आपने अच्छे से पढ़ा है तो आपको पता चले, पता रहेगा कि अर्थ जो है वो हल्की सी टिल्टेड है 23 डिग्रीज पे, ऐसे, ठीक है, ऐसे. तो ये वाला ऐसी ऐसी जब सिचुएशन आती है और यहाँ सन है तो मेन जो लाइट है वो इस तरफ पड़ती रहेगी और कुछ कुछ टाइम के लिए, और ये रोटेट भी ऐसे ही रोटेट कर रही है, ठीक है, ऐसे ही रोटेट करती जा रही है. ऐसा नहीं हो रहा कि पोल्स भी फेस कर रहे हैं सन को, मस्त घूम रही है चारों तरफ से, नहीं, ये अगर ऐसे है तो ये ऐसे ही रोटेट करेगी. तो ये वाला एरिया जो है, ये वाला पूरा एरिया जो है बहुत टाइम तक जो है लाइट या तो फेस करेगा पूरे 6 महीने या तो फेस नहीं करेगा 6 महीने, ये सीन रहता है, ठीक है. हमने बहुत सारी चीज़ें भाई एंटार्क्टिका के बारे में पढ़ी. इसको फ्रोजन कॉन्टिनेंट भी कहा जाता है. तो जब भी फ्रोजन कॉन्टिनेंट बोला जाए तब तक आप जान लो कि एंटार्क्टिका है. एनिमल्स क्या क्या हो सकते हैं, आई फॉरगॉट टू मेंशन, पर मैं यहाँ बता देती हूँ. लाइक पोलर बियर, ठीक है, द क्यूटेस्ट बियर ऑफ ऑल पोलर बियर होते हैं. पेंगुइन्स, पेंगुइन्स कैन बी देयर, और आपके लेपर्ड्स, ठीक है, स्नो लेपर्ड्स. नॉर्मल लेपर्ड नहीं है, स्नो लेपर्ड्स हैं, तो याद रखेंगे, ठीक है. और आपके क्या हो सकते हैं, फॉक्सेस हो सकती हैं, ठीक है, स्नो फॉक्सेस. एंड आई गेस दीज एंड फिशेस, ठीक है, फिशेस की कुछ कुछ स्पीशीज हैं, दोज आर इम्पॉर्टेंट. तो ये आपके मेन मेन एनिमल्स हैं जो एंटार्क्टिका के पोल्स में रह सकते हैं, और इनके अडेप्टेशन उसी तरीके से हुई है कि आराम से बर्फ में इनको कोई दिक्कत होती नहीं है सच, इनकी बॉडी उसी तरीके से बनी है, तो ये चिल है, मस्त, ठीक है. तो देखेंगे पेंगुइन्स एंड ऑल के बारे में भी आगे, कभी अगर मौका लगा तो पढ़ाई करेंगे, है ना, अगर आपकी डिमांड रही तो करेंगे, राइट. ये देखो पूरा का पूरा साउथ पोल है. तो ये मैंने आपका मैप ऐसा बनाया कि अगर आप साउथ पोल को, मतलब अर्थ को साउथ पोल से ऊपर की, साउथ पोल के ऊपर से देखो, जैसे अर्थ को उल्टा की कर दिया जाए और साउथ पोल ऊपर की तरफ हो तो अर्थ ऐसी दिखेगी, ठीक है. तो ये आपका जो है एंटार्क्टिका है पूरा, एकदम ये रहा साउथ पोल, एकदम हार्ट में इसके, बिल्कुल दिल है साउथ पोल इसका, ठीक है ना, एकदम पॉइंट ही पे. ये तो ये पूरा फ्रोजन है, कोई नहीं रह सकता है. आप ओशियंस देख लो, इंडियन ओशियन है, सदर्न ओशियन है, अटलांटिक ओशियन है, ठीक है, पैसिफिक भी दिख जाएगा. ऑब्वियसली सारे ओशियंस कनेक्टेड हैं तो आपको सारे दिखेंगे. ऑलराइट, नाउ हियर इज अफ्रीका, ये रहा साउथ अमेरिका, और यहाँ आपका ऑस्ट्रेलिया है. तो देख रहे हो कि आपका ऐसे कैसे कैसे कनेक्टेड है ना, यू सीइंग इट, ग्रेट. हमने काफी सारे कवर कर लिए हैं अब तक. साउथ अमेरिका पे आ जाते हैं, अच्छा है ये भी कॉन्टिनेंट, ठीक है. थोड़ा सा कम कह सकते हो, थोड़ा सा कम कॉन्टेंट आपको हो सकता है ऐसा मिल जाए, ऐसा हो सकता है. तो वर्ल्ड, अच्छा वैसे इसमें बहुत सारी लार्जेस्ट और बिगेस्ट बिगेस्ट चीज़ें हैं. तो वर्ल्ड लार्जेस्ट रिवर, अब बोलोगे मैम लॉन्गेस्ट तो नाइल था, लार्जेस्ट अमेजोन कैसे, देखो नाइल रिवर लॉन्गेस्ट है, मतलब बहुत सारी कंट्रीज से पास होके वो रिवर आ रहा है, और बहुत लंबी नदी है, उसकी जर्नी बहुत लंबी है उस नदी की ना, जर्नी के लिए पहाड़ों से निकल के आ रही है, बहुत सारे कंट्रीज को, जो बहुत सारी कंट्रीज से पास करके तो एक समुद्र में जा रही, तो उसकी जर्नी बहुत लंबी है, ठीक है. ज़रूरी नहीं कि वो उतनी बड़ी भी हो, उस नदी की जर्नी बहुत बड़ी है. लेकिन लार्जेस्ट रिवर है कौन सा, लार्जेस्ट जिसमें, जिसका एक्चुअली पानी बहुत ज्यादा है, दैट इज अमेज़न.
ये याद रखेंगे, ठीक है। अमेजोन जो फॉरेस्ट है जिसमें अभी अभी आग लगी थी, अगर आपको पता है, अगर आप एक्चुअली में एक्टिव सिटीजन हो तो आपको पता होना चाहिए कि अभी थोड़े तो कुछ मंथ्स पहले अमेजोन रिवर में, अमेजोन फॉरेस्ट में आग लग गई थी और बहुत सारे जो एनिमल्स हैं, जो प्लांट्स हैं, उनका नुकसान हो गया था। तो अमेजोन फॉरेस्ट से हमें बहुत सारी ऑक्सीजन मिलती है क्योंकि वो फॉरेस्ट बहुत रिच है, ठीक है। तो वहाँ पर आग लग गई थी तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई, ठीक है। तो वो अमेजोन और ये अमेजोन कनेक्टेड हैं आपस में, ठीक है। ये अमेजोन रिवर जो है फ्लो करती है फॉरेस्ट से ही, तो ये वाली जो रिवर है ये वर्ल्ड की लार्जेस्ट रिवर है, ये याद रखेंगे, करेक्ट, वाटर वॉल्यूम के हिसाब से, ठीक है। अगर वैसे तो आप बोल सकते हो कि मैम लॉन्गेस्ट जो है वो नाइल है, तो उस नाइल रिवर की जर्नी बहुत बड़ी है ना, और ये जो है ये वाटर, इसका पानी भी बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए लार्जेस्ट रिवर। ना सेकेंड, द कॉन्टिनेंट इज द होम फॉर वर्ल्ड्स हाइएस्ट वाटर फॉल्स, यस, एंजल फॉल्स, एंजल फॉल्स ऑफ वेनेजुएला, ठीक है। एंजल फॉल्स ऑफ वेनेजुएला, इजुएला, ये आपका साउथ अमेरिका में स्थित है, और वेनेजुएला क्या है कंट्री का नाम, ऑब्वियसली एंजल फॉल्स, एंजल फॉल्स है आपका दुनिया की सबसे हाइएस्ट वाटरफॉल है, ठीक है। कभी सर्च करके देखना, आपको पिक्चर देख के ही ऐसे मजे आ जाएंगे। अगर आपको अपने नेचर से प्यार है ना, तो आपको ज्योग्राफी से फिर तो प्यार होना ही चाहिए। हाईएस्ट वाटरफॉल आप देखोगे ना, वो इमेज देखोगे तो आपको पता चलेगा। मैंने पढ़ाया था ये आपका, मैंने पढ़ाया था ज्योग्राफी के हाईएस्ट चैप्टर नंबर थ्री में आई टोल्ड यू, ठीक है। सो दिस वॉज वेरी नाइस। द वर्ल्ड लार्जेस्ट स्नेक एंड द सेकेंड लॉन्गेस्ट स्नेक, सब सेकेंड लॉन्गेस्ट और लार्जेस्ट, तो वही मैंने बताया, जैसे लॉन्गेस्ट मतलब जिसकी जर्नी लंबी हो, ठीक है। एक लंबा सांप और एक बड़ा सांप, दोनों में डिफरेंस है। बड़ा सांप क्यों, उसका साइज बड़ा हो सकता है कि चौड़ाई में भी और लंबाई में भी, तो लार्जेस्ट में और लॉन्गेस्ट में डिफरेंस है, ठीक है। तो वो ग्रीन कलर का एनाकोंडा, ग्रीन एनाकोंडा जो है इस कंट्री में आपको, इस कॉन्टिनेंट में आपको देखने को मिलता है। The highest volcanoes of the world. Volcanoes का मतलब समझते हैं ना, क्या होते हैं volcanoes? ऐसे माउंटेन जिनमें से लावा फूट के बाहर निकलता है, ठीक है, गरम गरम मैग्मा निकलता है, ठीक है। ऐसे ऐसे माउंटेन्स को बोला जाता है volcano. So माउंट कोटोपैक्सी एंड माउंट चिम्बोराजो दोनों के दोनों इसमें है, हाइएस्ट एज ए हाइट में हाइएस्ट, ठीक है, राइट। दोनों आपको कहाँ मिलेंगे, साउथ अमेरिका में मिलेंगे। ब्राजील द कंट्री इन विच लार्जेस्ट कॉफी प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड, सॉरी द कंट्री विच इज द लार्जेस्ट कॉफी प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड इज इन साउथ अफ्रीका, ब्राजील जो है। आपको कितनी सारी चीजें इसमें सीखने को मिल गई, कि लार्जेस्ट स्नेक कौन सा है, हाईएस्ट वाटरफॉल कौन सी है, ठीक है, लार्जेस्ट रिवर कौन सा है, सब आपको देखने को मिल गया। ये अगर आपको इनमें से 20% भी याद रह जाए ना, तो बहुत अच्छी बात है, मेरा लेक्चर सफल हो जाएगा अगर आपको इसमें से 20% भी याद रह जाता है। तो ट्राई करो 100% याद रहे, जिनको 100% याद है उनको मेरा थम्स अप बहुत बड़ा, उनको 20% भी याद रहेगा उनको भी मेरा नमस्कार है, ठीक है। तो ब्राज़ील जो है दुनिया में सबसे ज़्यादा कॉफ़ी प्रोड्यूस करता है, ठीक है, कॉफ़ी उगाता है, तो वो भी इसी कॉन्टिनेंट में स्थित है, ठीक है, इसी कॉन्टिनेंट में है। मूविंग ऑन, अब आ जाते हैं वन सेकेंड, दिस इज द मैप ऑफ योर साउथ अमेरिका, देख लो कंट्रीज इंपॉर्टेंट कौन सी कंट्रीज है। ब्राजील आ गई सबसे बड़ी कंट्री, फिर आपकी पेरू, अर्जेंटीना, बोलीविया, चाइल, ठीक है, एंड वेनेजुएला अगेन यहीं पे है। कौन सा, क्या बोला था मैंने, एंजल फॉल्स यहाँ पे, ठीक है, एंजल फॉल्स इज हियर, ठीक है ना। कोलंबिया है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट कंट्रीज कुछ कुछ हैं जो आपको याद रखनी चाहिए, ठीक है। अब आपसे अगर कोई पूछे ब्राज़ील कहाँ है, तो प्लीज़ हाथ जुड़वा के ये मत बोलेगा कि मैम एशिया में है, ठीक है, ब्राज़ील जो है साउथ अमेरिका में है, राइट। नाउ लेट अस कम ऑन यूरोप, यूरोप का क्या सीन है, देखो अभी मैंने आपको बताया था यूरोप और एशिया मिलके यूरेशिया बनाते हैं, क्योंकि उनका सेम है। बट एज आई टोल्ड यू, देखो ये आपका रशिया है ना, ये यहाँ से उरल माउंटेन से सेपरेटेड है, ठीक है, उरल रेंजेस है यहाँ से सेपरेटेड है। ये आपका ब्लैक सी है, ठीक है, ये देखो इटली, फ्रांस सच कंट्री ऑफ यू नो आर्ट, यहाँ पे बहुत इसका कल्चर बहुत रिच है, ठीक है। तो फ्रांस में यू शुड एंड मस्ट सर्च अबाउट फ्रांस एंड पेरिस, ठीक है।
थोड़ा बहुत फैक्चुअल बातें भी देख लेते हैं, मैप भी देखेंगे, ठीक है। यूरोप इज सराउंडेड बाय वाटर ऑन थ्री साइड्स, कुछ कह रहा है ये, देख लेते हैं जरा क्या कह रहा है, क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि ये जो है तीन तीन तीनों जगह से, यहाँ से, यहाँ से और यहाँ से पानी से घिरा हुआ है, ठीक है, पानी से घिरा हुआ है। बहुत सारे सीज हैं, ये रहा एक, ये रहा एक, ये रहा एक। सी और ओशियन में डिफरेंस पता है सबको, है ना। सी और ओशियन में बहुत बेसिक डिफरेंस पता है, जो सी है कोने कोने में घुसे हुए होते हैं, जैसे ये रहा सी है कोने में घुसा हुआ है, ये कोने में घुसा हुआ एक सी है, ये सी होगा, ये सी है, छोटी छोटी जगहों पे सी घुसे हुए होते हैं, ये सी है पूरा, ये ये सारे सारे आपके आपके सीज सीज होते होते हैं, हैं, और और ओशन ओशन जो जो होते होते हैं हैं वो वो बड़े 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 होते होते हैं, हैं, ठीक ठीक है, है, वो वो इतने इतने ज्यादा ज्यादा छोटे छोटे नहीं नहीं होते, होते, जो जो सी सी है है वो वो ओशन ओशन का का पार्ट पार्ट होते होते हैं, हैं, ठीक ठीक है। है, तो तो ये ये वाला वाला पूरा पूरा कोई कोई ना ना कोई कोई ओशन ओशन है, है, राइट। राइट, या या यहाँ यहाँ देखो देखो ये ये आपका आपका अफ्रीका अफ्रीका यहाँ यहाँ से से शुरू शुरू है है ना, ना, ये ये अफ्रीका अफ्रीका है, है, ये ये सीरिया, सीरिया, इराक, इराक, ये ये सब सब ना। ना। ओके, ओके, वन वन सेकेंड, सेकेंड, नॉट नॉट ओ, ओ, नो, नो, नॉट नॉट रियली रियली एशिया, एशिया, अफ्रीका अफ्रीका नहीं, नहीं, दिस दिस एशिया एशिया यहाँ यहाँ से से है, है, ठीक ठीक है। है, दिस दिस इज इज अफ्रीका, अफ्रीका, ये ये इज इज अफ्रीका, अफ्रीका, ये ये मोरक्को मोरक्को एंड एंड अल्जीरिया अल्जीरिया यू यू कैन कैन सी, सी, दिस दिस इज इज अफ्रीका अफ्रीका एंड एंड दिस दिस इज इज एशिया एशिया हियर, हियर, ठीक ठीक है। है। तो तो ये ये है आपका आपका एशिया, एशिया तो तो यहाँ यहाँ से से भी भी आपको आपको दिख दिख रहा रहा है, है, ये ये रशिया रशिया जो जो है है अलग अलग है, है, दिस दिस इज इज डिफरेंट, डिफरेंट, ये ये पूरा पूरा पार्ट पार्ट आपका आपका यहाँ यहाँ से से लेके लेके पूरा पूरा का का पूरा पूरा यूरोप यूरोप में में ही ही आता आता है, है, ठीक ठीक है। है। अच्छा, अच्छा, कुछ कुछ और और फैक्चुअल फैक्चुअल देख देख लेते लेते हैं। हैं। मेडिटेरेनियन सी इन मेडिटेरेनियन द सी साउथ, इन द साउथ, अटलांटिक अटलांटिक ओशन ओशन इन इन द द वेस्ट वेस्ट एंड एंड आर्कटिक आर्कटिक ओशन ओशन इन इन द द नॉर्थ, नॉर्थ, ये ये आपकी आपकी तीन तीन चीजें चीजें हैं हैं जो जो यूरोप यूरोप को को घेर घेर रखती रखती हैं। हैं। दुनिया दुनिया की की सबसे सबसे छोटी छोटी कंट्री कंट्री वैटिकन वैटिकन सिटी, सिटी वैटिकन वैटिकन सिटी सिटी जो जो है है वो वो सिटी सिटी नहीं नहीं है, है, वो वो एक एक कंट्री कंट्री का का नाम नाम है, है, उसको उसको सिटी सिटी का का नाम नाम इसलिए इसलिए देते देते हैं हैं क्योंकि क्योंकि वो वो सबसे सबसे छोटी छोटी कंट्री कंट्री है है पूरी पूरी दुनिया दुनिया में, में, तो तो वो वो यूरोप यूरोप में में ही ही है, है, ठीक ठीक है। है। दैट दैट इज इज इन इन यूरोप यूरोप नाउ। नाउ। वट वट इज इज योर योर होमवर्क होमवर्क इज इज योर योर होमवर्क होमवर्क इज इज टू टू स्पॉट स्पॉट वैटिकन वैटिकन सिटी सिटी इन इन दिस दिस मैप, मैप, ठीक ठीक है। है। इन इन दिस दिस मैप मैप यू यू हैव हैव टू टू फाइंड फाइंड वैटिकन वैटिकन सिटी, सिटी, आई आई होप होप यू यू फाइंड फाइंड इट, इट, दैट दैट इज इज योर योर होमवर्क। होमवर्क। मेजर मेजर एनिमल्स एनिमल्स देख देख लो, लो, हेजहॉग हेजहॉग है, है, रोड रोड डियर डियर है, है, वाइल्ड वाइल्ड बोर्ड्स बोर्ड्स है, है, ब्लू ब्लू टेट टेट है है, एंड एंड यूरोपियन यूरोपियन ट्री ट्री फ्रॉग फ्रॉग है। है, बोल बोल गए गए मां मां हमें हमें तो तो कुछ कुछ भी भी समझ समझ में में नहीं नहीं आया। आया। रिसर्च, रिसर्च, नोट नोट कर कर लो लो फटाफट फटाफट इन इन एनिमल्स एनिमल्स के के बारे बारे में, में, मेरा मेरा काम काम है है आपको आपको राह राह दिखाना दिखाना और और आप आप उस उस राह राह पे पे चलना चलना आपका आपका काम काम है, है, ठीक ठीक है। है। मैंने मैंने आपको आपको बता बता दिया दिया क्या 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 चीजें चीजें इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट हैं, हैं, अब अब उनके उनके बारे बारे में में जानकारी जानकारी हासिल हासिल करना करना भी भी आपका आपका काम काम है। है। अगर अगर आप आप चाहते चाहते हो हो कि कि मैं मैं हर हर एनिमल एनिमल की की एक 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 डिटेल डिटेल दूं दूं तो तो मैं मैं क्या क्या करती करती हूँ, हूँ, मैं मैं एनिमल्स एनिमल्स पे पे एक एक भी भी एक एक और और लेक्चर लेक्चर बना बना देती देती हूँ, हूँ, तब तब मजा मजा आएगा। आएगा। उन उन एनिमल्स एनिमल्स की की पिक्चर पिक्चर के के साथ साथ हम हम पढ़ेंगे पढ़ेंगे क्या क्या खाते खाते हैं, हैं, क्या क्या पीते पीते हैं, हैं, कैसे कैसे रहते रहते हैं, हैं, वो वो सब सब कुछ कुछ भी भी देख देख लेंगे, लेंगे, ठीक ठीक है है ना। ना। विल विल सी सी ऑल ऑल दैट दैट नाउ। नाउ। वन वन सेकेंड, सेकेंड, लेट लेट मी मी जस्ट जस्ट रिमूव रिमूव वट वट एवर एवर आई आई हैव हैव ड्रॉन ड्रॉन ऑन ऑन द द मैप मैप ऑन ऑन दिस दिस ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल मैप, मैप, ठीक ठीक है। है। तो तो अब अब देखो देखो इसमें इसमें इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट कंट्रीज कंट्रीज कौन कौन सी सी कौन कौन सी सी हैं, हैं, पोलैंड पोलैंड है, है, जर्मनी जर्मनी है, है, फ्रांस फ्रांस मैंने मैंने बोला, बोला, ठीक ठीक है। है। पेरिस, 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 पेरिस पेरिस इज इज वेरी, वेरी, इज इज लाइक लाइक मोस्ट मोस्ट विजिटेड विजिटेड कंट्री कंट्री होगी होगी पूरे पूरे उसमें, उसमें, ठीक ठीक है। है। ये ये देखो, देखो, ये ये आपका आपका यूके यूके जो जो है है पूरा पूरा इसमें इसमें है, है, यूरोप यूरोप में में ही ही है, है, ठीक ठीक है। है। यूनाइटेड यूनाइटेड किंगडम्स, किंगडम्स, इसमें इसमें पूरा पूरा इंग्लैंड, इंग्लैंड, स्कॉटलैंड स्कॉटलैंड एंड एंड आयरलैंड, आयरलैंड, ये ये तीन तीन जो जो है है ये ये पूरे पूरे आयली आयली आयरन आयरन कंट्रीज कंट्रीज इसमें इसमें है, है, तो तो ये ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट है। है। ब्रिटेन, ब्रिटेन, पूरा पूरा ग्रेट ग्रेट ब्रिटेन, ब्रिटेन, स्पेन स्पेन आपका आपका बहुत बहुत ज्यादा ज्यादा इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट है, है, इटली इटली इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट है, है, ग्रीस ग्रीस इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट है, है, बल्गेरिया बल्गेरिया इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट है, है, हंगरी हंगरी इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट है, है, ऑस्ट्रिया ऑस्ट्रिया इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट है, है, यूक्रेन यूक्रेन इज इज इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट, बोल बोल गए गए मैम मैम सब सब कुछ कुछ आप आप इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट बताते बताते चले चले जा जा रहे रहे हो, हो, तो तो एवरी एवरी कंट्री कंट्री इज इज इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट, ऐसा ऐसा नहीं नहीं है है कि कि कोई कोई कंट्री कंट्री कम कम इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट है, है, कोई कोई कंट्री कंट्री ज्यादा ज्यादा इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट है, है, जो जो कंट्रीज कंट्रीज आपकी आपकी ज्यादा ज्यादा न्यूज न्यूज में में बनी बनी रहती रहती है, है, तो तो दैट दैट इज इज द द मोर, मोर इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट, है है ना। ना। जिस जिस कंट्री कंट्री में में आर्ट आर्ट ज्यादा ज्यादा है, है, जिस जिस कंट्री कंट्री में में कल्चर कल्चर ज्यादा ज्यादा है, है, वो वो सब सब कंट्रीज कंट्रीज आपकी आपकी इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट कंट्रीज कंट्रीज कहलाती कहलाती हैं, हैं, किसी किसी भी भी मीन मीन से से कोई कोई भी भी कंट्री कंट्री इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट हो हो सकती सकती है, है, ठीक ठीक है। है।
तो आज हमने कुछ ना कुछ नया सीखा, ऐसे ही हमें डेली कुछ ना कुछ नया सीखना है। जैसे मैंने लेक्चर की स्टार्टिंग में बोला था, ऑलवेज बी अ लर्नर। मैंने भी इस प्रेजेंटेशन को बनाते हुए, आपको पढ़ाते हुए बहुत सारी नई नई चीज़ें सीखी हैं और मैं आगे भी बहुत सारी नई नई चीज़ें आपको पढ़ाते पढ़ाते भी सीखती जाऊँ। I am not gonna stop my learning even until death. सीखते रहो तो आप आगे बढ़ते रहोगे, ठीक है। लर्निंग इज समथिंग विच इज नॉट गोना एंड इन योर लाइफ। कुछ ना कुछ आप कहीं ना कहीं से कोई ना कोई लेसन सीखते ही रहते हो। तो कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। एंड इफ यू आर प्लानिंग टू परचेज एनी ऑफ द कोर्स, प्लीज यूज माई कोड ISHI10 एंड यू गेट अ 10% इंस्टेंट डिस्काउंट, ठीक है। अनअकैडमी में बहुत सारे कोर्सेज, बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, बहुत सारे ट्यूटर्स अवेलेबल हैं, एजुकेटर्स अवेलेबल हैं, मेंटर्स अवेलेबल हैं। तो आपको पढ़ाई करने में कोई भी दिक्कत नहीं है। इफ़ यू आर प्लानिंग टू डू इट, यू आर मोस्ट वेलकम, ठीक है। आप सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो यूज माई कोड ISHI10, 10% डिस्काउंट मिलेगा। अपने हिसाब से देखो, आपके पास जितना टाइम है उस हिसाब से आप कोर्स को बाय करो, ठीक है। और परचेज करने से फायदा होगा, आपको एक्स्ट्रा क्लासेस मिलेंगी, ठीक है। आपको मिलेंगे।